Assalamu alaikum dear students, welcome to today's class. I am Imtiaz Ahmed Ittu, vocational trainer of IT. आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कीबोर्ड के बारे में, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कीबोर्ड. A keyboard is an input device that contains keys, user press keys to enter data and instructions into a computer. कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है जिस पे कीज होते हैं, बटन्स होते हैं. यूज़र उन बटन्स को, उन कीज़ को प्रेस करता है कंप्यूटर सिस्टम को डेटा एंड इंस्ट्रक्शन देने के लिए. आपके सामने फिगर है कीबोर्ड की जिस पे बहुत सारे कीज़ हैं. दीज कीज़ आर यूज्ड टू गिव द डेटा. दीज कीज़ आर यूज्ड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस बाय प्रेसिंग द कीज़. अ यूज़र, यूज़र मीन हम लोग, वी पीपल एज यूज़र्स यूज़ करते हैं ये कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम को डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट देने के लिए. ओके, कीबोर्ड एक कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर को टेक्स्ट एंटर करते हैं, जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम को नंबर्स, लेटर्स एंटर कर सकते हैं. कंप्यूटर कीबोर्ड दरअसल टाइपराइटर स्टाइल पे बनाया गया है, बट विद एडिशनल कीज. लेआउट सेम है QWERTY स्टाइल, बट उसमें टाइपराइटर से ज़्यादा कीज होती है. मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स है 104 कीज. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, 104 बटन्स होते हैं. ईच ऑफ ए कीबोर्ड कॉरस्पॉन्ड्स टू ए सिंगल सिंबल, मगर हर एक की एक ही सिंबल एक टाइम पे लिख सकती है. एक की पे एक से ज़्यादा सिंबल्स मार्क किए हो सकते हैं, मगर हम टाइप कर सकते हैं एक ही सिंबल एट ए टाइम. बट सम सिंबल इज रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस. हम सिंबल्स भी लिख सकते हैं, मगर हमें यूज करने पड़ते हैं सेवरल कीज. दैट मीन्स वी हैव टू प्रेस मोर देन वन की टू टाइप ए पर्टिकुलर सिंबल, टाइप ए पर्टिकुलर कैरेक्टर. सपोज अगर हमें यहाँ पे लिखना है एट द रेट ऑफ, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस टू. एट अ टाइम वी हैव टू प्रेस शिफ्ट एंड टू, वहाँ पे लिखा जाएगा एट द रेट. बट अगर हमें यहाँ पे लिखना है टू, हम खाली प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे टू की, वहाँ पे लिखा जाएगा टू. सिमिलरली अगर हमें हैश लिखना है तो हम करेंगे यूज शिफ्ट प्लस थ्री. शिफ्ट एंड थ्री हम इकट्ठे प्रेस करेंगे एट साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे, तो वहाँ पे लिखा जाएगा हैश. बट अगर हमें थ्री लिखना है तो हम प्रेस करेंगे थ्री. इट अलाउज एंटरिंग अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स इन टू द कंप्यूटर सिस्टम. कीबोर्ड हमें अलाउ करता है एंटर करने के लिए अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी एंड द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. हम टाइप कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 9 एंड ए टू जी, एंड ऑल्सो द सिंबल्स, एंड ऑल्सो दीज सिंबल्स एट द रेट ऑफ हैश इंपरसेंट, हम ये टाइप कर सकते हैं. साइमल्टेनियस की प्रेसिंग कैन प्रोड्यूस एक्शन और कंप्यूटर कमांड्स. अगर हम सपोज एंटर डिलीट प्रेस करते हैं, दीज आर कमांड कीज. ये सपोज अगर हमने कोई चीज़ सिलेक्ट किया डेस्कटॉप पे कहीं पे, फिर हम एंटर मारेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो वहाँ से वो डिलीट होगा. डैट मीन्स वी आर गिविंग कमांड्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ऑल्सो. ओके, होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट. नाउ द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड के दो टाइप्स हैं. पहला हमारा वायर्ड कीबोर्ड एंड दूसरा है वायरलेस कीबोर्ड. वायर्ड कीबोर्ड में ऑब्वियसली वायर्स यूज होते हैं, एंड दिस वायर्ड कीबोर्ड में भी PS2 कीबोर्ड और USB वायर्ड कीबोर्ड. ये हमारा PS2 कीबोर्ड हो सकता है, PS2 पर्सनल सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के पीछे एक पर्पल कलर का पोर्ट दिया गया होता है. यहाँ पे हमारे कीबोर्ड में PS2 कनेक्टर दिया गया होता है, उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपना माउस. एंड या वो हो सकता है हमारा USB, हम USB पोर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं अपना कीबोर्ड. डेट इज़ वायर्ड कीबोर्ड्स. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वायर्ड कीबोर्ड्स की, जिसमें हम हमारा PS2 कीबोर्ड आता है एंड वायर्ड कीबोर्ड आता है. इट इज़ रिक्वायर्स वायर्स टू गेट कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, वायर्ड कीबोर्ड्स. बट ऑन द अदर हैंड वायरलेस कीबोर्ड्स, जो वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं उनमें वायर्स यूज़ नहीं होती है. दे डू नॉट यूज वायर्स टू गेट कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, दे वर्क ऑन वायरलेस मीडियम. वो वायरलेस मीडियम पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे एक वायरलेस डिवाइस इंसर्ट करते हैं अपने सिस्टम में एंड कीबोर्ड को बैटरी इंसर्ट करते हैं, एंड वी गेट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस वायरलेस डिवाइस टू द
computer system. These are the two types of keyboards. Okay. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर पेटेंट वॉचिंग एंड लिसनिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.